महाराष्ट्र में कारोबारी मुकेश अंबानी के घर के बाहर मिली विस्फोटक से भरी गाड़ी की जांच के बाद अब इस गाड़ी के कथित मालिक मनसुख हिरेन की मौत का मामला भी NI ने अपने हाथ में ले लिया है। आपको बता दें कि अभी तक इस मामले की जांच महाराष्ट्र ATS के हाथ में थी। 5 मार्च को स्कॉर्पियो के कथित मालिक मनसुख हिरेन का शव बरामद किया गया था। मनसुख हिरेन की मौत के मामले में महाराष्ट्र के आतंकवाद निरोधक दस्ता यानी ATS ने सचिन वझे समेत 25 लोगों से पूछताछ कर बयान दर्ज किया है। कार के कथित मालिक मनसुख हिरेन की संदिग्ध मौत पर काफी सवाल उठ रहे हैं। इन सवालों की जद में सचिन वाझे भी हैं, जिन्हें बीते दिनों मुंबई क्राइम ब्रांच से हटा दिया गया था और बाद में फिर निलंबित भी कर दिया गया। हिरेन की पत्नी ने वाझे पर उनके पति की मौत में संलिप्त होने का आरोप लगाया है। ATS सूत्रों की माने तो व्यापारी मनसुख हिरेन की डायटम जांच यानी डूबकर मौत से हुई संबंध मेडिकल जांच रिपोर्ट से पता चलता है कि जब वह पानी में गिरे थे तब वह जिंदा थे। वैसे यह रिपोर्ट निर्णायक नहीं है। महाराष्ट्र का आतंकवाद निरोधक दस्ता हिरेन की रहस्यमयी मौत की जांच कर रहा है। डायटम जांच डूबकर होने वाली मौत की जांच एवं उसकी पुष्टि में एक अहम माध्यम होती है। ATS के DIG शिवदीप डायटम बोन नमूने हरियाणा स्थित प्रयोगशाला में भेजे जाने की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि ATS उन 3 डॉक्टरों का बयान दर्ज करेगी जिन्होंने कालवा में छत्रपति शिवाजी महाराज अस्पताल में हिरेन का पोस्टमार्टम किया था। इस संबंध में एक अन्य अधिकारी ने कहा कि जांच दल इस बात की भी जांच करेगा कि पोस्टमार्टम के समय सहायक पुलिस निरीक्षक सचिन वाजे अस्पताल में क्यों मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट, CN News।